अभी हमारे साथ है रिश्वी जो कि सेकंड क्लास में है बाल भारती स्कूल रोहिणी से। रिश्वी आपने आज गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट आए हो आप अपनी एज कैटेगरी में, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने कोच का नाम बताओ। वेरी नाइस। कैसे लगते हैं आपको कोच सर? कितने राउंड्स दिलाते हैं जब आप ग्राउंड में जाते हो तो कितने राउंड्स दिलाते हैं आप? फाइव राउंड्स। आप थकते नहीं हो? थोड़ा। अच्छा जूनियर रन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया या सेकंड टाइम किया? सेकंड टाइम। तो इससे पहले जब आप जूनियर रन में पार्टिसिपेट किया था उसमें कुछ आया था आपका प्राइस आया था? और आज तो आपको गोल्ड मेडल मिला है, आपने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा भागे हो, कितना टाइमिंग नोट किया आपने अपना? 17 मिनट्स। वेरी नाइस। आपकी इतनी छोटी सी एज में आपने 17 मिनट्स में 3 किलोमीटर्स पूरा कर दिया, बहुत अच्छा किया। अच्छा मम्मा अच्छा देती है खाने के लिए? क्या आपको अच्छा लगता है खाने के लिए? मुझे तो रोटी सब्जी। मैडम आप बताइए कि बच्चे जो है आज की डेट में थोड़ा फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ऑब्वियसली आपका बच्चा भाग रहा है इतनी छोटी एज में, इतना अच्छा भाग रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो आप डेफिनेटली उनकी डाइट का ख्याल रखते होंगे, कुछ बताइए। सर बेसिकली मेरा ये रहता है कि मैं होम मेड फूड दूँ, मिक्स देते हैं, थोड़ा सा घर पे फास्ट फूड नहीं खिलाकर घर में ही पास्ता बना दिया या बर्गर बना दिया कभी कभी, पर बेसिकली दूध और जूस का मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ, तो बैलेंस आउट रखते हैं। सर आपकी एकेडमी की स्टूडेंट है रिश्वी और आज गोल्ड मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रिश्वी ने लास्ट ईयर जब दिल्ली में जूनियर रन किया था तो 19:40 करीब टाइम दिया था, और अभी इसने 17:35 टाइम दिया है, मीन्स 2:05 इम्प्रूव किया है विद इन 4-5 मंथ, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और अभी मतलब ये 6 साल 6.5 साल की एज हुई है इसकी 7 के करीब, और ये बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, ये जिस इवेंट में भी जाती है अच्छा टाइमिंग और सब कुछ जो भी इसका परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, अभी भी आज भी इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जन फिट एकेडमी जो कि वेस्ट दिल्ली में छाई हुई है, आई वुड से आई सी ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ इवन यू नो एडल्ट रनर्स हु आर ट्रेनिंग अंडर त्रिभुवन सर एंड अदर गुड कोचेस एंड दे आर ऑल्सो अचीविंग देयर पर्सनल बेस्ट, और एक बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हो कि बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हो, सो दैट हम 40-50 साल के बाद रियलाइज़ ना करें कि हमें भागना कितना ज़रूरी था। बच्चों के अंदर ही एक रनिंग का इनिशियली से हैबिट आप जो स्टार्ट कर रहे हो और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग का एक बेनिफिट डेफिनेटली ये सबसे अच्छा होता है कि बच्चे को या किसी को इंजरी लेस या इंजरी फ्री आपने रनिंग करानी है। यूजुअली विदाउट ट्रेनर्स भी लोग भाग रहे हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली उनको एक कोई ना कोई इंजरी होती है, देन सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। सर अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए थोड़ा अलग से प्लान किया है, हमने जूनियर विंग स्टार्ट किया है, तो उसमें हम इवनिंग में बच्चों के लिए क्लासेस रखते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह मॉर्निंग स्कूल जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो मॉर्निंग में आके ट्रेनिंग कर पाएँ, थोड़ा शेड्यूल इस टाइप का हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है, तो हम लोगों ने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं जिसमें हम बच्चे और उनकी मदर्स को हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। मॉर्निंग में हमारे पास बच्चे भी आते हैं जो जिनका स्कूल थोड़ा लेट है वो आ जाते हैं, तो मॉर्निंग हमारी क्लासेस सुबह 5:30 बजे होती है, थोड़ा अर्ली रहता है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मॉर्निंग में ज़्यादातर एडल्ट्स मैराथन रनर्स हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इवनिंग में हमारे साथ फीमेल्स और बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन रिश्वी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डू वेल इन नेक्स्ट इवेंट ऑल्सो।